दोस्तों महिलाओं में एचआईवी के लक्षण क्या होते हैं? आज के समय बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर महिलाओं में क्या लक्षण हो सकते हैं, हम कैसे पता करें कि महिला को देखकर या ऐसे कि हमें क्या लक्षण हो सकते हैं और उसको एचआईवी हो सकता है ऐसा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं फीमेल के बारे में, फीमेल में एचआईवी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। और सबसे पहली बात ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम आगे लक्षणों से बारे में बात करने से पहले कुछ जनरल नॉलेज की बात कर लूँगा, जिससे आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपनी समस्या मुझे कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके रिप्लाई और बेटर कर पाऊँगा और अब उस बारे में आपके लिए और स्पेशल वीडियो लेके आ पाऊँगा, ठीक है। और मैं हूँ डॉक्टर मुकुल शर्मा और काफ़ी सालों से आपके लिए एसटीडी प्रॉब्लम की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे एचआईवी में सिम्टम्स में, वो भी महिलाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है एचआईवी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि एक ऐसे इंसान के साथ सेक्स करना जिसको एचआईवी है और फिर वहाँ से आपको एचआईवी होना विदाउट कोंडम विदाउट सेफ्टी, ये सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है आज के समय। अदर कारण भी बहुत सारे हैं, आपको सभी को पता है, जैसे कि सेम नीडल का हाथों हाथ यूज करना या अदर बहुत सारे कारण हैं, ब्लड वगैरह, लेकिन वो इतने आजकल मायने नहीं रखते हैं, वो बहुत कम हो चुके हैं जितना सेक्स के कारण फैल रहा है ये बीमारी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि प्रोस्टिट्यूट के पास जाके सेक्स करते हैं, बहुत सारे घर पर ही, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता है, अनजान इंसान के साथ वो सेक्स कर लेती हैं तो उनको एचआईवी आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि महिलाओं में कुछ खास एक्स्ट्रा अंतर नहीं होता है लक्षणों का, जो होगा मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा इस वीडियो में। देखिए एचआईवी का एक ही अर्थ होता है कि बहुत सारे रोगों का समूह। एचआईवी कोई रोग नहीं होता है, लेकिन ये होने के बाद आपको सारे रोग हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी रोग होता है वो आपको ले सकता है। वो कैसे? क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो जाती है शरीर में, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता की लेयर होती है जो हमारे शरीर में रोग आने से रोकती है। अब जब रोग आने से रोकने वाली जो लेयर है, जैसे पृथ्वी की ओजोन लेयर है वो कम खत्म हो जाएगी, तो शरीर अपने पृथ्वी पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी, भूकंप होना या तापमान की वृद्धि होना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो वैसे ही हमारी बॉडी होती है, उस पर एक इम्यूनिटी की लेयर है जो कि कमज़ोर हो जाएगी और टूट जाएगी पूरी तरीके से, तो आपको हर रोग होंगे, चाहे कैंसर हो, टीबी हो और बहुत सारे लाइलाज बीमारियां होने लग जाती है, शरीर का वजन कम होना, तो ये तो सारे लक्षण आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बहुत सारी महिलाओं में ये होता है कि एक पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा अग्रेसिव लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर होती है। वो कैसे? क्योंकि पुरुष जितना रफ टफ होता है उतनी महिलाएँ रफ टफ नहीं होती हैं, वो घर पर रहती हैं ज़्यादातर आज के समय। जरूर थोड़ी महिलाएँ बाहर जाने लग गई, काम करती हैं, अपने रेगुलर नौकरियाँ कर रही हैं, लेकिन पहले की महिलाओं में अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर पे ही रहती हैं, घर पे काम करती हैं और घर पे ही सारा होता है, लेकिन पुरुष बाहर डोलता है मिट्टी में या हो कहीं भी तो धूप में, तो उससे उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है बचपन से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पे बहुत इफेक्ट होता है, उससे क्या होगा, आपका बुखार आता है। जैसे एक महिला को एचआईवी पेशेंट महिला होती है, जैसे बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट भी होती हैं या नॉर्मल महिलाएं होती हैं, उनको क्या होता है बार बार बुखार आता है, जब भी आप सेक्स करते हैं तो बुखार आ जाएगा, ठीक है। ये इम्यूनिटी कमजोरी पे है, हर एचआईवी पेशेंट को बुखार आना जरूरी नहीं है और एनी टाइम आना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन लेते हैं उसे वो कंट्रोल हो जाती है। तो नॉर्मली सी देखो, बुखार आना तो एक नॉर्मल सा लक्षण है, लेकिन इसके अलावा क्या, देखिए महिलाओं का भी वजन कम होता है, महिलाओं में भी मुंह में छाले आएंगे, महिलाओं की भी टंग वाइट होती है, ठीक है। और टीबी होना तो लगभग एचआईवी पेशेंट को नॉर्मल हो जाता है, अगर टीबी है, टीबी की मेडिसिन लेते हैं गवर्नमेंट की, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन टीबी होना एक नॉर्मल सा लक्षण होता है, ठीक है, एचआईवी पेशेंट के अंदर। तो वजन कम होना, बार बार बुखार आना टंग में, हाँ बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स में इनरेगुलेटरी भी आ सकती है, बहुत सारी, कम महिलाओं में, सभी महिलाओं की बात नहीं कह रहा, क्योंकि वो सारे शरीर पे इफेक्ट डालती है, अदर बीमारियों की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे को वाइट पानी की भी ज़्यादा शिकायत आती है इसके अंदर, ठीक है। और योनि में बदबू आना, योनि में सड़न होना, ये भी बहुत सारी एचआईवी पेशेंट की महिलाओं में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वादा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होगी या कम होगी, तो ये लक्षण तो नेचुरल सी चीज़ है, वो आएगा। हाँ अब इसमें बहुत सारे लोग क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से उनको बाल भी झड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो बाल डिप्रेशन की वजह से तो देखो बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती हैं, वजन कम होना भी एक डिप्रेशन भी वजह होती है, ठीक है। लेकिन आप डिप्रेशन नहीं हो और फिर भी वजन कम हो रहा है तो ये भी एक एचआईवी का लक्षण है, अगर आपको एचआईवी का डर है तो। एक्स्ट्रा इतने खास लक्षण नहीं होते, सिर्फ वजाइना को छोड़ के महिलाओं को नॉर्मल, वही पुरुषों को जो लक्षण आएंगे वही सेम ये आएंगे।
तो एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए बस आपकी क्वेरी दूर करने के लिए, क्वेश्चन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए।